हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मूंग दाल कैसे बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूंग दाल बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मूंग लिया और उसे पूरी रात पानी में भिगोकर रख लिया था। अब हमने पानी से इसे अलग कर लिया है। अलग करने के बाद हमने 2 घंटे तक पंखे के नीचे कॉटन कपड़े पे सुखा लेना है। अब हमारी ये मूंग दाल अच्छे से सूख गई है। अब हम दाल को फ्राई कर लेंगे। अब कपड़े से हम इसे उठा लेंगे और बाउल में ले लेंगे। गैस को हमने ऑन कर लिया है। पैन हमने रख दिया है। पैन में हमने तेल भी डाल दिया है। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम ऐसी एक छन्नी लेंगे। छन्नी में हम ऐसे थोड़ी दाल को डाल देंगे और उसके बाद हम तेज आंच पे दाल को हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई करना है आपको। ऐसे खूब तेज आंच पे आपको फ्राई करना है। इसे जब तक हम फ्राई करेंगे इसमें से क्रिस्पी आवाज ना आने लगे। तेल खूब अच्छा गरम होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे दाल का जो कलर है थोड़ा चेंज हो गया है और दाल से क्रिस्पी की आवाज आ रही है, यानी कि हमारा दाल जो है वो तैयार है। अब हम इसे टिश्यू पेपर में एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह हम लेंगे और इस तरह टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह दाल को फ्राई कर लेते हैं। सारे मूंग दाल को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे आधा चम्मच और इसे ऐसे मिला लेंगे। मूंग दाल अच्छे से मिक्स हो गया है। दोस्तों, ये मूंग दाल बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसे जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।